राम राम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सब एकदम बढ़िया होंगे और आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मोटो माफ। दोस्तों, आज के इस वीडियो में, आज के सेशन में हम बात करने वाले हैं फोर्ड इको स्पोर्ट फेसलिफ्ट के बारे में, जो कि बहुत ही जल्द लॉन्च होने वाला है। उसके कुछ नए इमेजेस हमारे सामने आए हैं और कुछ लॉन्च डेट के बारे में भी खबरें आए हैं। तो सीधा जो है आज के मुद्दे की बात करते हैं, बात कर लेते हैं कि इस गाड़ी में हमें क्या नया देखने के लिए मिल जाता है। दोस्तों, मैं हूं आपका होस्ट दोस्त ईशान। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मोटो माफ को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले लाल बटन दबाइए और मोटो माफ की फैमिली के साथ जुड़ जाइए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा, ताकि मैं कोई भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो लेके आऊँ जैसे कि मैं आज लेके आया हूँ, तो सबसे पहले आप उसका जो है लुत्फ उठा सके। दोस्तों, ये जो हमारी फोर्ड की इको स्पोर्ट आ रही है, इसकी कोई भी नई जनरेशन नहीं आ रही है, खाली एक माइनर अपडेट के साथ हमारा फेसलिफ्ट आने वाला है। यहाँ पे जो है फोर्ड इको स्पोर्ट की नई जनरेशन लानी चाहिए थी फोर्ड को, पर वो जो है पुरानी गाड़ी में ही थोड़े से चेंजेस करके जो है हमें पेश कर रही है। तो दोस्तों, अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो है गाड़ी की जो हमारी नई फोटो सामने आई है वो देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे एक चीज़ क्लियर होगी है कि फ्रंट एंड में आपको काफ़ी सारे चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। जो सबसे पहले आपका ध्यान जाएगा दोस्तों, ग्रिल के ऊपर जाएगा। पहले के मुकाबले काफ़ी यहाँ पे एग्रेसिव एंड बड़ी ग्रिल आपको देखने के लिए मिल जाती है। ग्रिल के चारों तरफ क्रोम का काफ़ी अच्छा इस्तेमाल भी किया गया है। लोअर जो बम्पर है दोस्तों, अगर उसको हम ध्यान से देखते तो वहाँ पे हमें एसी वेंट्स भी देखने के लिए मिल जाते हैं और नए किस्म का लोअर बम्पर भी देखने के लिए मिल जाता है। वहीं पर जो हमारे हेडलैम्प की हाउसिंग है उसमें कोई भी आपको चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है। जो ही पहले हमारा प्रोजेक्टर वाला सेटअप आता था वही आपको जो है यहाँ पर देखने के लिए मिल जाता है। बट यहाँ पर जो हमारी फॉग लैम्प की हाउसिंग है वो हमारे नए डिज़ाइन के साथ आती है एंड हाउसिंग पे आपको जो है DRL देखने के लिए मिल जाते हैं, जो कि हमारे L शेप में आते हैं। इनके अलावा आपको फ्रंट में कोई भी और चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है, पर इतना है कि फ्रंट से आप जरूर पता लगा पाएंगे कि हमारी जो फेसलिफ्ट कार है वो कौन सी है और जो हमारी प्रीवियस जनरेशन है वो कौन सी है। हाँ, हम इतना जरूर कह सकते हैं कि जो हमारा प्रीवियस जनरेशन है या प्रीवियस मॉडल है उसके मुकाबले काफी एग्रेसिव एंड काफी नया लुक जो है प्रेजेंट कर रही है ग्रिल की वजह से। वहीं पर अगर साइड प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं तो यहाँ पे आपको साइड प्रोफाइल में कोई भी चेंज देखने के लिए नहीं मिलते हैं। सिर्फ एक ही नोटिसेबल आपको चेंज देखने के लिए मिलेगा, वो भी हमारे अलॉय व्हील्स में देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे आपको जो है नए डिजाइन के अलॉय व्हील्स देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पे दोस्तों, जो हमारा रियर एंड है वहाँ पे भी हमें कोई चेंज देखने के लिए नहीं मिलता है एज सच, बट हमारा जो व्हील है वही हमें सिर्फ चेंज देखने के लिए मिलता है और ये जो अलॉय व्हील का डिजाइन है गाड़ी को सूट कर रहा है। एंड वहीं पे दोस्तों, अगर आपको याद होगा तो कुछ दिन पहले फोर्ड इको स्पोर्ट में SG वेरिएंट आपको देखने के लिए मिला था, जहाँ पर हमारा जो ये स्टेपनी व्हील था पीछे की साइड वो आपको देखने के लिए नहीं मिलता था। बट अगर पर्सनली मैं बताऊँ तो ये जो लुक है गाड़ी का, जहाँ पे आपको व्हील पीछे ही देखने के लिए मिल जाता है, ये ज़्यादा अच्छा लगता है ऐसे के मुकाबले। बाकी आप क्या सोचते हैं इन दोनों के बारे में, आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा। एंड वहीं पे दोस्तों, अगर वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आप एंजॉय कर रहे हैं, तो वीडियो को लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल ना भूलेगा और सब्सक्राइब करके मोटो माफ की फैमिली के साथ भी जुड़ जाइएगा। अब बात कर लेते हैं गाड़ी के इंटीरियर के बारे में। तो इंटीरियर में भी ऐसा आपको कोई भी बड़ा या ड्रास्टिक चेंज देखने के लिए नहीं मिलने वाला है। जो हमारा डैशबोर्ड का लेआउट है, जो कि आपको एट प्रेजेंट देखने के लिए मिल जाता है, वही सेम देखने के लिए मिल जाता है। सारे एलिमेंट्स की वही आपको प्लेसमेंट देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पे जो एक मेजर चेंज है, जो नोटिसेबल चेंज है, वो खाली आपको जो है अपहोल्स्ट्री में ही देखने के लिए मिलने वाला है। जो हमारे सीट का पैटर्न है वो थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने के लिए मिलने वाला है। बाकी यहाँ पे जो इंटीरियर है, डैशबोर्ड है, वो बिल्कुल आपको स्विमर मिलने वाला है, जो कि आपको अभी देखने के लिए मिल जाता है। वही सेम फ्लोटी स्टाइल की आपको यहाँ पे इन्फॉर्मेटिव सिस्टम देखने के लिए मिल जाता है, जिसमें आपको एप्पल कारप्ले एंड एंड्रॉइड ऑटो देखने के लिए मिल जाता है। सेम स्टीयरिंग व्हील एंड उस पर हमारे माउंटेड सारे कंट्रोल्स आपको देखने के लिए मिल जाते हैं। बट यहाँ पे एक ऐसी आकांक्षा है, कुछ सुनने में आ रहा है सोर्सेज के द्वारा, कि जो हमारा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है उसमें आपको थोड़ा बहुत चेंज देखने के लिए मिल सकता है। जो हमारा पहला है, जो कि हमारा एनालॉग आता है, छोटी सी MID आपको प्रोवाइड कर दी जाती है, जो कि हमारी गाड़ी की बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड कर देता है, उसको जो है रिवाइज किया जाने वाला है। थोड़ा सा आपको जो है मॉडर्न वाला यहाँ पे क्लस्टर देखने के लिए मिल सकता है। वहीं पर अगर गाड़ी के जान के बारे में बात करते हैं, मीन्स गाड़ी के अंडर द हुड हमें क्या देखने के लिए मिल जाता है, तो एज सच अभी यहाँ पे भी कोई भी चेंजेस की कोई भी खबर नहीं आई है। यहाँ पे यही है कि आपको जो पुराने इंजन है, जो मीन्स अभी आपको इंजन देखने के लिए मिल जाते हैं, वही आपको जो है मिल सकते हैं। कोई भी नया इंजन आने की उम्मीद नहीं है। तो यहाँ पे अभी एडमिशन आपको दो इंजन देखने के लिए मिल जाते हैं। एक है हमारा 1.5 लीटर का नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन, जो कि हमारे 122 BHP ऑफ पावर प्रोड्यूस कर देता है एंड 149 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है जनरेट कर देता है। इस गाड़ी में या इस वेरियंट में हमें 5 स्पीड का मैनुअल एंड 6 स्पीड का एक ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी देखने के लिए मिल जाता है। एंड उसे दोस्तों यहाँ पे हमें जो है एक और यूनिट देखने को मिल जाता है, जो कि हमें डीजल
यूनिट है 1.5 लीटर की, जो कि 100 bhp ऑफ पावर प्रोड्यूस कर देता है एंड 215 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क जो है जनरेट कर देता है। एंड इस वेरिएंट में हमें जो है मैनुअल एंड ऑटोमेटिक दोनों ही देखने के लिए मिल जाते हैं। वहीं पर दोस्तों अगर हम प्राइसिंग के बारे में बात करते हैं तो गाड़ी की जो प्राइसिंग है अभी तक उसमें कोई भी हमारी कंफर्म रिपोर्ट तो नहीं आई है, पर कुछ सोर्सेज के हिसाब से जो हमारी प्राइसिंग है एट प्रेजेंट जो आपको इको स्पोर्ट की देखने के लिए मिल जाती है, नई इको स्पोर्ट की भी आपको उसी के अराउंड देखने के लिए मिलने वाली है। एंड अगर इसके लॉन्च के बारे में बात करते हैं तो इसका जो लॉन्च है वो हमारा फेस्टिव सीजन में होने वाला है, मीन्स इसका जो लॉन्च है वो हमारे दिवाली के आसपास होने वाला है। लॉन्च के दौरान मीन्स जब ये गाड़ी हमारी न्यूली लॉन्च होगी तो आपको जो इसकी प्राइसिंग है उस पर अच्छे खासे डिस्काउंट या बोल सकते हैं काफ़ी अच्छे खासे ऑफर भी देखने के लिए मिलने वाले हैं। बाकी जो एट प्रेजेंट हमारा इको स्पोर्ट का मॉडल है उसका जो प्राइसिंग है अभी उसका आप चार्ट अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे और इसी के अराउंड हमारी नई इको स्पोर्ट का भी प्राइस रहने वाला है। वहीं पे दोस्तों अगर आप जो है ये कॉम्पैक्ट एसयूवी सेगमेंट में से कोई एक गाड़ी खरीदने की सोच रहे हैं तो ये जो हमारी इको स्पोर्ट आने वाली है इसका वेट आप ज़रूर कर सकते हैं। मैं ये नहीं कह रहा कि आपको यही गाड़ी बाय करनी चाहिए, आपके पास इससे भी बेटर ऑप्शन देखने के लिए मिल जाते हैं, लाइक किया सोनेट है, टाटा की नेक्सॉन है, हमारी महिंद्रा की एक्सयूवी 300 है, वो भी आपको जो है अच्छे खासे फीचर्स प्रोवाइड कर देते हैं। बट आप जो है इस गाड़ी को जो है कंसिडर जरूर कर सकते हैं, जो कि यहाँ पर फोर्ड है तो आपको बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छी देखने के लिए मिल जाएगी एंड ये हमारे जो इंजन है काफ़ी अच्छे इंजन है तो ड्राइवर्स कार भी इसे जो है कहा जाता है। तो इन बेसिस पे इस गाड़ी को भी जो है आप कंसिडर कर सकते हैं, तो आपको थोड़ा सा और वेट करना चाहिए दिवाली तक, क्योंकि और भी गाड़ियाँ जो है इस सेगमेंट में आने वाली है, लाइक हमारे जो मारुति की विटारा वर्जा है उसका भी हमारा फेसलिफ्ट है जो कि हमारे दिवाली के आसपास आ सकता है। तो काफ़ी हमारी गाड़ी जो है आने वाली है नई, तो आपको दिवाली तक तो डेफिनेटली वेट जरूर करना चाहिए अगर आप नई गाड़ी जो है लेने का सोच रहे हैं। तो दोस्तों ये था हमारा छोटा सा अपडेट फोर्ड इको स्पोर्ट 2021 का फेसलिफ्ट के बारे में। ये वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना। दोस्तों अगर आप इस गाड़ी या किसी और गाड़ी या बाइक के बारे में कुछ जानना चाहते हैं, कुछ आप जो है अपना सजेशन देना चाहते हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर जो है बता सकते हैं। मैं था आपका होस्ट दोस्त ईशान और आप देख रहे थे आपका अपना यूट्यूब चैनल मोटोमफ। आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, अब आपसे जो है मुलाकात होगी नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। जब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।